नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ट्रेवल स्माइल पे आपका स्वागत करता हूँ। इस समय मैं हूँ आपका सारंगनाथ तालाब के पास और जस्ट मेरे पीछे आप सारंगनाथ मंदिर है। आपने मेरे वीडियोस बहुत काफ़ी देखे होंगे, जैसे सारनाथ का मंदिर और सारनाथ का मेला, सावन का मेला, ये सारे वीडियोस मैंने यहीं पे शूट किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको आज का डेट है 29 अक्टूबर और समय हो रहा है 8:58, मतलब 2 मिनट में 9 बज जाएगा। तो कुछ मैं सोचा कि आपको एक अपडेट दे देता हूँ यहाँ का, कि आज कल त्यौहार है अपना, छठ महापर्व है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है पूरे भारत में, और बिहार राज्य में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है। तो अपने वाराणसी ज़िले में भी जैसे बनारस के घाट है, गंगा के घाट हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। लेकिन जो जो सिटी से बिलोंग करते हैं, जो राजघाट के करीब रहते हैं, वो लोग अपना घाटों पे जाके अपना चीज़ों को कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा से शहर विभाग में जैसे बनारस से दूर रहते हैं, तो उनके लिए तालाब ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह होता है। तो उसी में से एक सारनाथ तालाब है, जो सारंगनाथ मंदिर है वहीं पे उनका तालाब है, सारंग तालाब। तो मैं वहीं पे स्थित हूँ और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ की तैयारी दिखाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या कुछ हुआ है। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी आपको। तो मैं एक बार फिर से मैं अपने बैकग्राउंड में आप मेरे देख सकते होंगे कि ये झालर का, ये देखिए जो लाइटिंग का काम हुआ है, ये अपने एक भैया हैं जो अपने बगल के गांव की हैं, जो बरईपुर के हैं, और मैं उनसे बात भी करा दूंगा, उनका मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा। तो चलिए मैं बैक कैमरे से आपको एक बार फिर से यहाँ से बड़ा 360 व्यू दिखाता हूँ कि क्या तैयारी है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई है। और बाकी कल के डेट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत लोग देखने आएंगे। तो चलिए मैं बैक कैमरे पर मिलता हूँ आपसे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारनाथ थाना प्रभारी आ चुके हैं और यहाँ पे अपना सिक्योरिटी का जांच कर रहे हैं कि क्या चीज़ें कैसे होगी। तो इस वीडियो में खैर उन सब बातों अपने ऑफिशियल लोग अपना काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि ये वेदी बना हुआ है और यहाँ पे पूजा पाठ होती है। तो जैसे जो जो अपना वेदी बना के यहाँ जाते हैं, वो लोग यहाँ पे अपना कल आके पूजा करेंगे। एक दिन पहले वेदी बना दी जाती है ताकि लोगों को अपना जगह पता रहे कि हमें कहाँ खड़ा होना होता है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक भीड़ लगती है, यहाँ पे हजारों की भीड़ लग जाती है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहता था कि कल यहाँ जो भीड़ लगेगी, आपका प्रॉपर भीड़ होती है और यहाँ का दृश्य मैं कल के वीडियो में वीडियो शूट करूँगा दोस्तों, मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी आप देख सकते हैं ये कुंड के चारों तरफ झालर लगाए गए हैं ताकि जो कुंड का सुंदरता हो और भव्य रूप से दिखे आपको। तो दोस्तों ये कुछ नज़ारा है, मैं सोचा एक अपडेट देता हूँ अपने सारनाथ का, ताकि आपको पता चले कि सारनाथ की तैयारी कैसी है छठ महापर्व के लिए। ये अपना सारनाथ का मुख्य द्वार है, जहाँ पे सारंगनाथ महाराज जो विराज हैं अपने शिव जी, और इनका गेट है। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं इसके, तो आपने देखा ही होगा। चलिए मैं उस तरफ से आपको मैं एक क्लिप दिखा देता हूँ कि कैसा लोकेशन है और कैसा, कितनी सुंदर लग रहा है यहाँ का सजावट। तो ये जो बम्बूज, मतलब जो बांस लगा हुआ है, ये जैसे कि पायदान बनाया गया कि लोग इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके आगे गहराई होती है। तो इस हमें बम्बू जो बांस का लगा हुआ है, इसके अंदर ही रहना है। और जो अब बेदी देख रहे हो बना हुआ, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक बेदी बनी हुई है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे लोग रहने वाले हैं, और कुछ ऐसा लोकेशन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो महापर्व है छठ पूजा का, काफ़ी हर्ष उल्लास से मनाया जाता है, एक बहुत ही मान्यता है। और देखा जाए तो हमने सोचा कि जब ये तैयारी चली रही तो मैं एक वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देता हूँ। तो यही कुछ है, चलिए मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ और कुछ नज़ारे। अगर दोस्तों आप एक बार कमेंट करेंगे तो मैं कल का वीडियो शूट करूँगा, मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊँगा। आज मैं तैयारी दिखा रहा हूँ, कल के डेट में मैं चीज़ों को दिखाऊँगा कि कैसे क्या है। तो आप देख सकते हैं पूरा झालर लगा हुआ कितना खूबसूरत है, और कुंड भी अपना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 360 व्यू देख लीजिए आप दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे YouTube चैनल ट्रैवल स्माइल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों देखिए, आप मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको जब ऐसा वीडियो बनाऊँगा तो आपको एक अपडेट मिलता रहेगा। और जैसे झालर का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं पानी में, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये तो कैमरा जस्टिस कर रहा है, खैर आपको कैमरे के, लेकिन खुली निगाहों से जब चीज़ों को देखेंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो कल नया नहीं होने वाला, कल यही टॉपिक होगा। कल एक्चुअली भीड़ दोस्तों अधिक हो जाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो शूट करूं। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो अगल बगल के सारनाथ के जो क्षेत्र हैं, जैसे आपका बरईपुर हुआ, आपका खजुई हुआ, तो ये सब जगहों पे क्या हुआ, जब लोग अपना लेके आते हैं छठ पूजा के लिए, तो उसमें लोग डीजे का प्रयोग करते हैं। डीजे में पता है आपको गाना बजता है जो छठ का गाना होता है, तो उससे क्या है, जब मैं वीडियो को शूट करूंगा तो उसमें कॉपीराइट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें मैं ओरिजिनल वॉइस नहीं डाल पाऊंगा, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो हो सकता है कि मैं वीडियो कल न शूट कर पाऊँ, या हो सकता है मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो इस जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको वीडियो करके शूट करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। थोड़ा सा इस वीडियो को लास्ट में जाते जाते मैं यहाँ के चीज़ों को, रोड को दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम का काम हो रहा है, जैसे कि सड़क के किनारे यहाँ पे नालियाँ नहीं थी, तो पानी जब बारिश होती थी तो रोड के ऐसे होके ऐसे चला जाता था, तो इस ड्रेनेज सिस्टम का जब काम हुआ तो ये सब भी कार्य प्रगति पे है, तो इस वजह से यहाँ का भी कल देखिए यहाँ हजारों की भीड़ लगेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को सामना का प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जब कल लोग डीजे लेके आएंगे, जो ये मलबा था इसको जेसीबी से लोग ऊपर रख दिए गए हैं, और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको मतलब मिट्टी से पाट दिया गया है। खैर ये सब वो सब बातें हैं, लेकिन देखिए कल जब लोग आएंगे यहाँ पे, श्रद्धालु जो दर्शन करने लोग आएंगे, जो अपना छठ का महापर्व मनाएंगे यहाँ पे, तो वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो गई। थोड़ा सा मैं ये दिखाना चाहता था कि चारों तरफ कीचड़ है, तो लोगों को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो बाकी लोग तो है चले जाएंगे, लेकिन भीड़ अत्यधिक हो जाती है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यही कुछ अपडेट था दोस्तों छठ त्यौहार का, जो छठ अपना महापर्व है, जो कल सारनाथ शिव मंदिर पे बहुत भीड़ लगेगी, जो लोग आएंगे दूर दूर से। तो दोस्तों ये है अपने कल्लू भैया, जो यहाँ का पूरा अपना डेकोरेशन का काम किए हैं, जो लाइटिंग का व्यवस्था देख सकते हैं। मैं इसमें सारनाथ मंदिर पे हूँ, सारंगनाथ मंदिर पे, और कुछ ऐसा नज़ारा दोस्तों। और ये हमारे मदन भैया हैं, जो हमारे क्लासमेट थे, जो हम लोग UKG से लेके क्लास 10 तक हम लोग साथ में पढ़ा था, और यहाँ पे इनका DJ का सेटअप रखा हुआ है। कल इसकी तैयारी हो जाएगी, कल ये गाना बजेगा, तो बाकी कुछ यही सब नज़ारा है दोस्तों। देखिए मेरा एक सिद्धांत है, पूजा के नाम पे आप मुझसे चाहे जो करवा लीजिए, मैं एक्टिव हूँ। ठीक है, ओके, वेट मिनट।